गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड? तो चलिए आज खोवा का मुर्की बनाते हैं। हमने आटा गुथना आपको बताया है, तो वो आटा हमने गुथ लिया है और ये हमने खोवा लिया है। ये हमने 1.5 केजी खोवा लिया हुआ है और ये पीसी हुई चीनी है आधा केजी चीनी जो आता है, जो चीनी रहता है, देखिये उसको हमने पीस के इसका एकदम बारीकी बना लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम, और हमने थोड़ा सा किशमिश लिया हुआ है और थोड़ा सा ये देखिए नारियल बुरादा ये लिए हुए हैं। आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हम आपको बता ही दिए हैं कि ये हमने जो महीन चीनी है उसको बुक लिए हैं, मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिए हैं। आप चाहें तो बुरादा भी मिलता है, उसे भी ले सकते हैं, पर हमने ये चीनी को ब्राउन महीन कर लिए हैं पीस के, और हम नारियल का बुरादा कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम मिला के आपको दिखाते हैं। हम एक बाउल लेंगे, उसमें रखेंगे, सबको साइड करते हैं। इसमें हम खोआ निकालते हैं, अपना खोआ निकालते हैं। खोआ निकालने के बाद इसको अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा हाथ से इसको महीन कर देंगे। इसके बाद अपना हम सब चीनी उनी मिला। और गाइस, आप तो मतलब ज्यादा देर तक मिला के मत रखिए, चीनी तो खोआ में चीनी मिलने के बाद खोआ हमारा पसीजने लगता है, मतलब तो आप जब इसको बनाना है तभी मिलाइए। और आधा चीनी इसमें ऐड करते हैं, जब हमें कम लगेगा तो और चीनी डालेंगे। इतना डाल के पहले मिलाते हैं। आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो कम चीनी कर लीजिए, ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज्यादा चीनी कर लीजिए, क्योंकि खोवा भी हमारा मीठा है जो मावा हमने लिया है, और ये घर का बना हुआ मावा है। हमने घर का बना हुआ मावा का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, अगर आपको देखना होगा तो देख सकते हैं वहां जाके। और इसको पहले अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं, और हमें लगेगा कि चीनी कम है तो हम चीनी ऐड करेंगे, पर हमें नहीं लग रहा है कि चीनी कम हमें लगेगा। देखिए, चीनी मिलाने के बाद हमारा खोआ है जो हल्का पानी टाइप का हो जाएगा, और हम सिर्फ चीनी और खोआ से बना रहे हैं। और देखिए, हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। थोड़ा सा हम जो खोआ रखे हैं उसमें डालने के लिए थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। इस सबको अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि हमने जो नारियल का गोला होता है उसी को हमने खरीद के ले लिया है। जो खरीदने वाला आता है कद्दूकस करने वाला, उसी पे हमने कद्दूकस कर लिया है। और देखिए, हमारा खोआ जो थोड़ा गीला था इसलिए हमारा गीला टाइप में हो गया है। आप चाहें तो सूखा खोआ बना सकते हैं। और हमने इसको मिला लिया है, और देखिए हमारा खोआ जो तैयार हो गया है। हमको हम लोग ऐसा ही खोआ रखते हैं, इसलिए ज्यादा गीला नहीं है, ये सूख जाएगा थोड़ी देर के बाद। और खोआ तैयार हो गया, तो चलिए अब हम लोग आटा है जो आटा का लोइया बना के उसको हम लोग भर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, हमने कुछ कट करके रखा है और हम आपको दिखा रहे हैं। और कट करना है, ये देखिए हमने लोई लिया था उसका अच्छा से, ये पतला सा, इतना ज्यादा ना मोटा ना ज्यादा पतला, मीडियम साइज का। इसको हम रोटी जैसा कर लेंगे, फिर ये देखिए बीचों बीच रखेंगे। जो ये देखिए हमारा दोनों साइड है, इसमें थोड़ा सा खोआ डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, इतना सा। और इसको अच्छे से ऐसे देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, थोड़ा दबा देंगे ताकि हमारा जो है तेल में जाने के बाद ये खुले नहीं और हमारा तेल खराब ना हो। और ये देखिए ऐसे कुछ करके इसको निकाल लेंगे, फिर इसको ऐसे निकाल के फिर यहाँ पे रख देंगे। और फिर इसमें हम जो ये बचा हुआ हमारा है आटा, इसको रख देंगे। इसका हम पूड़ी भी तल सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं साइड में, और फिर इसमें थोड़ा सा आटा लगा देते हैं कि हमारा जो रोटी है वो चिपके ना। देखिए ये फिर हम आटा लगाए, और ये देखिए फिर हमने एक और रखा। आप ध्यान से देखिए, और ऐसे ही करना है। और फिर हम लेंगे थोड़ा सा, ये सिर्फ खोवा और चीनी का हम जो गुजिया बना रहे हैं वो है। आप चाहें तो इसमें मिक्स करके बना सकते हैं, पर मिक्स करके बनाने वाला हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये सिर्फ हम खोवा और चीनी से बना रहे हैं। और ये देखिए फिर हम इसको ऐसे कट करके निकाल देंगे, और फिर ये देखिए कितना अच्छा हमारा शेप आ जा रहा है। फिर ऐसे हमारा मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा तेल में जाने के बाद खराब हो जाएगा। फिर हम आपको तेल में तल के दिखाएंगे। देखिए गाइस, हमने ये रिफाइन ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई में, और देखते हैं कि हमारा तेल है जो अच्छा से गर्म हो गया है कि नहीं। और गाइस, जब बनाते हैं हम लोग खोआ का मुर्की तो उसमें रिक्स रहता है, आप लोग आराम से और अच्छे से धीरे धीरे बनाइए। एक एक दो दो डाल के देख लीजिए कि अच्छे से बन रहा है, तो फिर बनाइए, चेक कर लीजिए। और आंच को मीडियम ही रखिएगा, ज्यादा हाई आंच में हम लोग नहीं पकाएंगे।
और हम देखते हैं कि हमारा तेल है जो गर्म हो गया है कि नहीं अच्छे से। और हमारा तेल है जो अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा सा और एक दो मिनट के लिए रुक देते हैं उसको गर्म होने के लिए। अब इसमें हम एक एक दो दो करके डालेंगे और देखेंगे कि हमारा अच्छे से बन रहा है कि नहीं। पहले आप चेक कर लीजिए, जब वो लगेगा कि नहीं अच्छे से बन रहा है तो फिर हम अपना आराम आराम से एक एक दो दो डाल डाल के चेक करते रहेंगे। ये देखिए हम एक एक कर करके इसमें डाल रहे हैं। ज्यादा ज्यादा नहीं करेंगे, जितना इसमें स्पेस रहेगा उतना ही निकालेंगे। और ये देखिए बस इतना ही हम रहने देंगे। और जब ये एक तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको हम पलटी करेंगे। ये देखिए तेल में तैर रहा है अच्छे से, फिर हम इसको पलट लेते हैं। और देखिए हमने सबको पलटी कर दिया है, थोड़ा सा इसको हम लोग कलर चेंज होने देंगे, थोड़ा कलर आने देंगे, इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और देखिए हमारा जो है गुजिया का कलर अच्छा आ गया है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा और खस्ता हमारा गुजिया बना हुआ है और कितना अच्छा इसमें कलर भी आया है, हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।